The Lallantop Show is sponsored by Khata Book. Business hua easy. मैं बाद में दे दूँ। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी। टीम गंगा के सौरभ और मनोज पहुंचे भारत नेपाल बॉर्डर के पास सीतामढ़ी। वहां उन युवकों से बात हो रही थी तो लगे हाथ सौरभ ने पूछ लिया कि राहुल गांधी को लेकर उनकी राय क्या है। अमूमन ऐसे सवालों का जवाब अतिरेक के साथ दिया जाता है। पसंद तो भक्ति की हद तक पसंद होते हैं और नापसंद होते हैं तो नफरत की हद तक नापसंद होते हैं। लेकिन हमें एक नौजवान मिला जिसने एक किस्सा भी सुनाया और सैयद ढंग से अपनी बात भी रखी। आप भी सुनिए। लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी रैलियां कर रहे हैं। उनका उनका तो यही है कि उनका आप देखिए उनके बोलते ही हंस, पर यह बात जरूर है कि वो राजनीति में नहीं होते तो एक व्यक्ति अच्छे होते। हाँ यह जरूर है। मैं उनसे एक बार मिल क्यों कह रहे हैं मतलब ये जानना चाहता हूँ। मैं एक बार संग्रीला होटल में एक प्रोग्राम हुई थी, युवा कांग्रेस की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें शक्ति सिंह जो थे वो आए थे। तो उसमें मैं भी जस्ट वो ट्विटर पे एक फॉर्म डालना था, मैंने फॉर्म डाला था, मुझे भी वहाँ से इन्विटेशन आ गया, मैं चला गया। तो वहाँ जब गया तो वो जब बात कर रहे थे तो वहाँ एक वेल प्रोफेशनल, एक वेल एजुकेटेड आदमी जैसे बात करता, वो बात कर रहे थे। पर वही बात जब वो राजनीति राजनेता के तौर पे मंच से कह रहे थे तो वहाँ कई जगह उन डाटाओं को उन्होंने गलत कर दिया। उन्होंने मतलब उनका एक अप्रोच जो है ना कि जनता को मुझे कैसे कनेक्ट करना है। अब लालू यादव जी है, बिहार को कैसे कनेक्ट करना है मंच पर रख दीजिए, वो जनता को कनेक्ट कर लेंगे। नरेंद्र मोदी है, अब कल ही उनका बयान देखिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा हुआ, छठ कैसे नहीं होगा, टच कर रहे हैं सीधा। यही क्वालिटी उनके अंदर नहीं है जो उनको अन्य राजनेता से और राजनीति से अलग कर देती है। यही प्रॉब्लम। और देश विरोधी की बात नहीं होती बाबा, बहुत सी ऐसी बातें हैं। नहीं नहीं नहीं, देश विरोधी बयान कौन सा बयान बताएंगे भाई साहब? एक मिनट सुनिए, गिरिराज सिंह कभी देश विरोधी बयान नहीं दिया है। क्या बात करते हैं गिरिराज सिंह के बारे में? चलिए ये बहस नहीं करते हैं, हम कह रहे हैं आप कह रहे थे राहुल गांधी देश विरोधी बयान देते हैं। एक चीज बताइए, अभी अभी जो आपको पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है संसद भवन के अंदर, जो पुलवामा हमला हुआ था सीआरएसएफ के जवान के ऊपर, उसमें जो एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान, उस पर यह सब दिन भाजपा गवर्नमेंट से या केंद्र सरकार से सब दिन क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं? विपक्ष का काम है। सुनिए, आपके राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो आपके राज में आतंकवादी हमला हुआ, और बीजेपी के राज में यदि आतंकवादी हमला हुआ तो बीजेपी का सरकार करवाया। यहाँ बोले हुए थे कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल पूछना। राहुल गांधी कह रहे हैं जो आपने बताया तो बेहतर और कनेक्ट कर पाए, क्या करना चाहिए उनको? उनको जो भाषण जो देते हैं ना मंच से, हाँ, तो वो जो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो उनको उनको एक और काम करना चाहिए। उनको सबसे पहले आरजेडी से अलग होकर अपना कैडर तैयार करना चाहिए। आज बिहार में कांग्रेस पांच या छठे नंबर की पार्टी है, शायद कल हो कि ओबीसी यहाँ से उनसे बड़ी पार्टी ना बन जाए। जो कांग्रेस एक गढ़ हुआ करती थी, आज यहाँ कांग्रेस समाप्त है। तो उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि अकेला आना चाहिए जनता में, अकेला आए, अकेला कनेक्ट कीजिए। जब तक आप अकेले नहीं आइएगा तब तक आपका नहीं होगा। आप किसी और के भरोसे नहीं चल सकते, यहाँ तेजस्वी यादव के भरोसे नहीं चल सकते। आपको आना पड़ेगा, आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा प्रमुखता से। अगर युवाओं की बात है तो आपके भाषण में युवा क्यों नहीं है? रोजगार की बात है, आप एक चीज पकड़ के नहीं चलते, आप एक चीज नहीं पकड़ते। एक मिनट, एक चीज को नहीं पकड़ते कि अगर रोजगार है, राफेल का मुद्दा है, पकड़े रहे जब तक वो मुद्दा उनको ही डिमोरलाइज नहीं करने लगा। देखिए, राजनीति की समझ तो उनको पकड़नी पड़ेगी कि जनता का विचार किधर जाना है। अगर जनता राफेल के साथ है तो एंड द पॉइंट, एक टाइम पे जाने के बाद मुझे मुड़ जाना होगा, मैं उतनी दिन तो नहीं उसको पकड़ रख सकता, वो पकड़े रहे। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में इस वीडियो को देखा गया होगा। जन में उनके नेता की छवि और नेता के लिए जन की नसीहत दोनों उनको मालूम चली होगी। बिहार में सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए। इस एनडीए की दो पार्टियों में ठन गई आप जानते हैं, जेडीयू और एलजेपी। चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का फैसला ही जेडीयू के विरोध में किया, लेकिन बिहार चुनाव में एक प्रत्याशी ऐसी भी हैं जिनकी माता एलजेपी से सांसद हैं और पिता जेडीयू के एमएलसी। इनका नाम है कोमल सिंह। सौरभ द्विवेदी ने पूछा कोमल से कि राजनीति का द्वंद्व परिवार में किस तरह सेटल किया जाता है, सुनिए उनका जवाब क्या था। टेल मी अबाउट दिस डायलमा फर्स्ट, कि आपके फादर जेडीयू में हैं, मदर एलजेपी में हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि जेडीयू ने सरकार ठीक से नहीं चलाई, पर फादर अभी क्या कर रहे हैं, वो जेडीयू का प्रचार कर रहे हैं या आप बिटिया को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे फादर जेडीयू में हैं, वो नीतीश जी की विचारधारा के साथ चल रहे हैं, चलते आए हैं और चल रहे हैं।
रहा बात एक फादर का बेटी को सपोर्ट करना, देयर इज नथिंग पॉलिटिक्स इन दिस. वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे हम जाते हैं तो उनकी विचारधारा नीतीश जी के साथ है, मेरी विचारधारा चिराग पासवान जी के साथ है, लोजपा के साथ है. साथ ही साथ मेरी विचारधारा बहुत ज़्यादा मिलती है हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ. सो अब जब रहा ये पॉलिटिकल ग्राउंड रहा, उसके अलावा ऑफकोर्स वो मेरे फादर हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, आशीर्वाद देना उनका फ़र्ज़ है, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे, मेरा उनसे आशीर्वाद लेना फ़र्ज़ है. तो ऑन दैट ग्राउंड हम बेटी और पिताजी का रिश्ता तो है, लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड्स में हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग चलते हैं. बिल्कुल. तो घर पे कभी ऐसा होता है जो हम लोग जिसको बोलते हैं डिनर डिस्कशन, तो हीटेड डिस्कशन हुआ हो, आपने चिराग वाली लाइन पकड़ी हो और उन्होंने नीतीश वाली? नहीं, घर पे कभी पॉलिटिक्स हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करते पॉलिटिक्स, बिकॉज अब इतना पॉलिटिकली इन्वॉल्व रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, समस्या को समाधान करते हैं, कि जब घर लौटते हैं, जब टेबल पे डिनर टेबल पे बैठते हैं तो हम अपने बारे में बात करते हैं, अपने विचार को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल चीज़ डिस्कस बिल्कुल नहीं करते. अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा से पहले आपको बताते हैं कि हमारी टीम आपको 5 नवंबर को कहां कहां मिलेगी. नोट कीजिए, टीम हीरा पटना, टीम गंगा कटिहार, टीम सोन आपको मिलेगी मोतिहारी में, और टीम कोसी किशनगंज. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर अर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी.